केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। इंडियन आर्मी की तरफ से बालाकोट में हुए सर्जिकल स्ट्राइक पर रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अभी इंडियन आर्मी की तरफ से पाकिस्तान की सेना पर कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की गई है। केवल बालाकोट सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC पर आतंकवादियों द्वारा भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि सोमवार की सुबह सेना के जवानों ने पाया कि बालाकोट सेक्टर में LOC पर दो आतंकवादी खराब मौसम, घने कोहरे और उबड़ खाबड़ जमीन का फायदा उठाते हुए घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पहले से चौकन्ना सेना के जवानों ने बालाकोट के हमीरपुर क्षेत्र में उन्हें मार गिराया। कई खुफिया एजेंसियों और जम्मू कश्मीर पुलिस से प्राप्त खुफिया इनपुट से पता चला कि बालाकोट सेक्टर के सामने से नियंत्रण रेखा पार कर आतंकवादी भारतीय सीमा में दाखिल होने की फिराक में बैठे हैं। सूचनाओं के आधार पर निगरानी ग्रिड को सतर्क कर दिया गया। उपयुक्त स्थान पर घात लगाकर हमला किया गया। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले के अंतर्गत LOC पर सेना ने दो आतंकवादियों को मार गिराया। थलसेना के प्रवक्ता के मुताबिक मारे गए आतंकवादियों के शवों को बरामद नहीं किया जा सका क्योंकि सेना के साथ हुई मुठभेड़ में आई चोटों के चलते दम तोड़ने से पहले वे नियंत्रण रेखा पार कर सीमा के दूसरी तरफ जाने में सफल रहे। उन्होंने बताया कि एक AK-47 राइफल, दो मैगजीन, 30 कारतूस, दो हथगोले और पाकिस्तान में निर्मित कुछ दवाइयां बालाकोट सेक्टर के मुठभेड़ स्थल से बरामद की गई। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।